पन्ना जिले में शासन की 5 एकड़ से अधिक जमीन को अवैध तरीके से प्लॉटिंग बनाकर धोखाधड़ी कर ग्राहकों को बेचने का आरोप अब्दुल सलीम नामक शख्स पर लगाया गया था। इसके बाद अब्दुल सलीम ने गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जो कि खारिज हो गई। पूरा मामला खसरा नंबर 77/1 का है। इस मामले में लोगों ने मंत्री का दरवाजा खटखटाया। जानकारी के अनुसार भूमाफिया और प्रशासन ने समन्वय बनाकर प्लाटों की रजिस्ट्री कराई थी। पता जा रहा है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रशासन पर सवाल ये निशान ये भी है कि आखिरकार उस 5 एकड़ भूमि को प्रशासन कब तक खाली करा सकेगा।